खोल के होती है, हेडलाइट को मैं दिखा नहीं पाया, इसको खोल के तो अंदर जाता है और एक स्विच लगा है यहाँ पे। किसका पास्ता आएगा? आंटी का पास्ता। अबे आंटी का पास्ता, पास्ता वाली आंटी है, फेमस है दिल्ली के। या कैमरा ऑन करो, दीदी है के। नहीं तो अभी कहेंगे कि ठोक दिया। घर पे ही है, थोड़ा कुछ खा पी के फिर निकलते हैं बाहर। बाकी सुबह देख रहा हूँ क्या अच्छी है, वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग भाई। हवा चल रहा है, पत्ते हिल रहे हैं भाई साहब। कल रात बारिश हुआ था, गंदी हो चुकी, इसको कराते हैं वॉश यहाँ पे। और उससे पहले चैन क्लीन करना पड़ेगा इसका, तो पहले चैन क्लीन कर लेते हैं। चलो भाई आज है डे टू, और सबसे पहले थोड़ी वॉश कराते हैं इसको, उसके बाद सीधे खरूल बाग चलेंगे। अब यहीं पर ना एक कार धोने वाला है, सॉरी बाइक धोने वाला है, वो देखते हैं किधर। एक बार यहाँ से मैं लेफ्ट लेना होगा, आई थिंक सीधे वाले रास्ते पे लगा है। बहुत अच्छा धोया था भाई, 100 रुपये में उसने मस्त पॉलिश वॉलिश मार कर ढंग से साफ कर दी थी बाइक मेरे को, तो प्यार हो गया उससे। तुम मानोगे नहीं, अगर मेरे पास पैसा होता ना मैं बाइक धुलवाने 200 किलोमीटर दूर रहता। सोचो इतना भाई, जो बाइक मतलब मैं समझ रहा ना, अगर कोई प्यार से रख रहा है ना मेरी चीज, तो मैं उसके लिए कुछ भी करने के तैयार हूँ। मेरे को बहुत प्यारी है भाई, मेरे को अच्छा लगा उसका व्यवहार, मतलब बहुत अच्छे तरीके से रखता है। अब क्या मैं सही जा रहा हूँ? शायद मैं सही जा रहा हूँ। ये चल रहा है ढंग से क्रॉस कर। ओह लॉर्ड नैनो, ठीक है आई थिंक हम सही जा रहे हैं। और यहीं से है वो लॉर्ड टियागो, सारे लॉर्ड यही दिख रहे हैं क्या भाई? पुनीत भी दिख गया था, एक दो फोटो हो जाते यहीं पे। टिंग 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 टिंग, बहुत है। क्या मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ? आई थिंक मैं सही जा रहा हूँ कि मिलना चाहिए मेरे को। लेट्स गो, दोनों अच्छी हो चुकी है अपनी। ये भी अंकल भैया दे रहे हैं, सबसे ऑफर गया है। लेट्स गो लेट्स गो, देखा मस्त हो चुकी है। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं। देख रहा साफ सुथरी गाड़ी भाई, मजा आएगा देख के। मैं भाई साहब देख रहा हूँ कमाल है बाइक का, बस बाइक। अबे उधर से कोई रास्ता है? कौन तो उधर परेशान है, निकलो बा टुक टुक फंसा देते हैं। मैं बाइक को हाँ मुझे ये दिखा था यार, ये दिल्ली 8CA मतलब वो 3 लेटर वाले यहाँ वो चलते हैं, मतलब इतनी गाड़ियाँ दिल्ली में, तो 3 लेटर हो जा रहे हैं अल्फाबेट्स। भाई तरबूजे रखे आलू क्या है, है? कल अचार का डब्बा उठा था, तरबूजे उठा लेता हूँ, पसंद उठा लू मार ना दे, छोटा वाला देखो उठा लो। एक ले लू छोटा सा,
एक ले लो छोटा सा डालो। अरे भाई कौन उठालो उठालो उसका है वाला, वो आगे मारेगा फिर मेरे को। भाई एक और चीज आप ये भी उठा लो क्या? नहीं ये तो बिल्कुल मजाक के मूड वाला नहीं लग रहा बंदा, छोड़ जान दो नहीं बात करते इससे। भाई दिल्ली का जाम, दिल्ली का जाम क्या बताऊं मैं। करोल बाग एक घंटे दिखा रहा है 27 किलोमीटर के, हम 27 किलोमीटर पहुंचते हैं आधे घंटे में, 20 मिनट में। या कैमरा ऑन करो दीदी यहीं पे, नहीं तो अभी कहेंगे ठोक दिया, खुद ठोकेंगे फिर कहेंगे हम ठोक दिए। चलो दीदी चलो दीदी चलो। अरे दीदी मेरी इनसे या तो दूर रहो या तो आगे निकलो, इनके आसपास बिल्कुल नहीं रहने का, ना सीधा तुम जाओगे केस जाएगा, सीधा केस है भाई, इससे दूर हटो। भाई इधर से रास्ता तो दिखा रहे जाना पट्टी बंद है रास्ता बाइक के लिए, अब कैसे जाएंगे? चलो कोई नहीं फिगर आउट करता हूँ इधर से कहाँ जाता है रास्ता। और ये भाई कूड़े का पहाड़, रुको पास से देखते हैं, वही है ना? हाँ वही है कूड़े वाला पहाड़ ही है फेमस। सही है बताओ यार, कूड़े का पहाड़ भी है फेमस है। गजवाल है, तगड़ा जाऊंगा। कुछ हुआ है क्या? कोई बात हुई है क्या? लग तो रहा है कोई बात है भाई, ऐसा है गोरखपुरिया स्टाइल से निकलना पड़ेगा ठीक है, डिंग 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 करते हुए। तो कोई तो बात हुई है बेटा, तभी इतना हो जाऊंगा मैं, ना होना तो नहीं चाहिए। लड़ गई क्या पूरी बस से? लड़ी तो नहीं दिख रही, खराब हो गई लग रहा है। तो चल भी इसकी क्या चल रहा है यहाँ पे? कितना और ये चीले देखो, चीले चीले देखो, चीले कितनी है ना, बहुत चीले भाई। गीदड़ नहीं कहेंगे, चील कहेंगे, चीले चील उड़ रही है। देख रहे हो ये, देख रहे हो भाई, भैंस चील ही चील, चील ही चील। इतनी क्या कर रही है भाई यहाँ पे? कुछ कर रही है, कुछ अच्छा ही कर रही होंगी। तो भैया हम आ चुके हैं रॉयल बुलेट एसएसवी वर्ल्ड पे, भैया बैठे सामने, गाड़ी अंदर लगाते हैं, चलते हैं देखते हैं क्या कैसे। सारे हैं हाँ, ये टॉप बॉक्स वाला ये है ना आपका? एक ये हाँ, नहीं ये स्टेनलेस टाइप का, ये ब्लैक नहीं चाहिए था, ऐसे ब्लैक ही है इसमें, ब्लैक आएगा। हाँ एक बार ये निकालना क्योंकि ना इसमें देख रहे हैं ब्लैक में, क्योंकि ये रस्टिंग नहीं होगा, ये माइल्ड स्टील है तो रस्टिंग नहीं हो सकती है इसमें। बाकी ऑप्शंस बहुत हैं यहाँ पे, और एलईडी की लाइट्स, आगे फ्रंट की लाइट्स, मड गार्ड्स, मतलब सब है। एक बार चेक करते हैं क्या है क्या नहीं है। हाँ तो जंग की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी पक्का? ठीक है इसका प्राइसिंग? ओके ठीक है, प्राइसिंग क्या पड़ेगी इसकी? भाई 3700 बता रहे हैं प्राइस इसका। ये टॉप बॉक्स बाद में लग जाएगा और स्क्रैचेस नहीं आ रहे इस पर, बाकी डिस्काउंटेड कुछ होता है देखते हैं क्या करना, पहले लाइट देख लेते हैं यहाँ पर। ये BMW वाली लाइट है जी जी, एक ये आएगा, ये आपका मिनी मिनी है ना ये, और ये तुम्हारा ओनली वाइट में आएगा ये तो। ये सही है, ये सब क्या प्राइसिंग पे सारे? ये मिनी ड्राइव का प्रॉब्लम लिया मैंने और वो बैक रेस्ट है, तो ये इंस्टॉल कराते फिर निकलते हैं यहाँ से। एक लाइट लग गई, दूसरी यहाँ पे कनेक्शन भागे बस। तो एटलीस्ट ये फायदा है कि वायर कट नहीं होना है इसमें।
आपके यहाँ पे बस हो गए जो होगी कट, आपकी वायर जो होगी होगी। चलो भाई सारे फिटिंग डन हो चुके हैं। इसकी फिटिंग ये हेडलाइट खोल के होती है, हेडलाइट को मैं दिखा नहीं पाया, इसको खोल के दिन अंदर जाता है। और एक स्विच लगा है यहाँ पे, तो ये है अपना, इससे ऑन ऑफ कर सकते हो आप इसको। बाकी बैकरेस्ट जो है उसका इंस्टॉलेशन हो रहा है। इतनी अजीब लगती है ऐसे वैसे, लेकिन अच्छी लगती है। बट पीछे बैकरेस्ट होना इंपॉर्टेंट है यार, वरना दिक्कत आ जाएगा, गिर सकता है आदमी। ये निकल गया, अभी एक बोझा हमारे पास है, इसको लेकर ढोना पड़ेगा, वरना यहीं छोड़ दूंगा कहीं पे, बाद में ले लूँगा आके। फिर सबसे मस्त यही है, बस यहाँ से कसो फिर बस, वी आर गुड टू गो, है ना। ये कंफर्टेबल तो लग रहा है वैसे। ये तो लग रहा है, इसको सपोर्ट देने के लिए हमें एक डंडा लगाना पड़ा जो वहाँ पर जाएगा ये नाइस। भाई आ गया, खोज रहा है मेरे को। ओए प्रियांशु, ये बेटे कहता भाई आ जा चलते अंदर। हाथ में रख के चला गया, मतलब कोई वो नहीं, भैया भैया बोल दो, भैया ले लो। ये ले साले हट। तो भाई साहब यहाँ से दो चीज, एक बैकरेस्ट का हुआ है और एक ये फॉग लाइट का हुआ है। हाँ काम दाम करा के निकल चुके हैं, बाकी अभी रेड लाइट पड़ा हुआ है कितना 173 सेकंड्स अभी, यानी कि 2 मिनट का रेड लाइट है। उधर कट रहा है लोगों का गंदा वाला, चला वही लगी गाड़ी। ये कहाँ पे है जी, 166 के पास में खड़ी है। ठीक है अब चलते हैं पाली, कहाँ आए थे कुछ कपड़ा खरीदने के लिए, एक बार ले लेते हैं चल के वहाँ से कुछ। हाय ये रही पार्किंग तुम्हारी, एक नंबर गेट के पास ही है, 5 रुपये पर आवर की पार्किंग है। बाकी जय हिंद, चलते हैं उस पार। ये देख लो भाई अगल बगल, आजकल भरोसा नहीं किसी गाड़ी में ब्रेक होना हो। ठीक है अब प्रियांशु ढूंढते, वो मेट्रो से आया था, भाई को धूप लग रही थी तो गाड़ी से नहीं आया वो, तो सामान ले लेते हैं फिर दोनों भाई साथ निकलेंगे आराम से घूमने के लिए। इसी के चक्कर में रुकवाते हैं यहाँ पे, वरना मैं डायरेक्ट निकलता अगर तू वहाँ तक आ गया तो। चल आ जा पीपल के पेड़ के नीचे, भूत भूत बैठते हैं पीपल के नीचे, पहना भी वाइट वाइट है। एक पालिका थी लौंडो वाली, वो भी लड़कियाँ कैप्चर कर रही हैं धीरे धीरे। लौंडे आ ही नहीं रहे, एक बार खरीद रहे हैं 2 महीने बाद आ रहे हैं। नहीं नहीं हम पागल फिर जा रहे हैं। मल्टीवर्स बना रखा है ये रिंग का। और तेरे और ये चांदनी चौक पे एक मेरे याद है भी खा रहे थे। किसका पास्ता आएगा? आंटी का पास्ता। अबे आंटी का पास्ता, पास्ता वाली आंटी है फेमस है दिल्ली के। खा ले ले एक प्लेट ले लो, आंटी का ले लो एक प्लेट ले लो पास्ता। कितना तो 50 का ले ले ना आंटी, आंटी दे दीजिए। एक दिन में 50 किलो पास्ता, पास्ता वाले आंटी, यस आई एम क्वीन पास्ता इन दिल्ली। अभी पूरा भीड़ हो गया पास्ता के लिए। आंटी ज्यादा और दे दी है क्या? वो दे देना। ये क्या जेस्चर है? प्रियांशु आंटी का माइक अभी बजाना है। हाँ आंटी खा के बताओ कैसा है। अरे आंटी बहुत अच्छा देती है पास्ता, खाओ रिएक्शन देखना। मैं तो खाया हूँ रिएक्शन का। सच में बोला बिगिनिंग तो भर भर के बनाई, सब खत्म हो गया बिगिनिंग। अच्छा बड़ा